जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में। पहली अपडेट में जानेंगे आप, भगवा रंग में नजर आएगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, रेल मंत्री ने दिखाई झलक। उधर विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में बीजेपी, एनडीए की 18 जुलाई को होगी बड़ी बैठक। तो वहीं वंदे भारत समेत कई ट्रेनों के किराए 25% तक होंगे कम। रेलवे ने दे दी बड़ी खुशखबरी। तो वहीं जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा सुप्रीम कोर्ट से भी राहुल गांधी को नहीं मिलेगी राहत। तो उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को दे दिया बड़ा संदेश, 10 जुलाई को खाते में आएगी दूसरी किस्त। तो उधर सोनीपत में राहुल गांधी की धान रोपाई से गरमाई सियासत, बीजेपी और जेजेपी नेताओं ने बोला जबरदस्त हमला। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भगवा रंग में नजर आएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश को इसकी पहली झलक दिखाई। उन्होंने अपने ट्विटर पर नई वंदे भारत की कई तस्वीरें साझा की। नए रूप में वंदे भारत में केसरिया, सफेद और काले रंग का सम्मिश्रण दिखेगा। अभी सेमी हाई स्पीड ट्रेन का रंग नीला और सफेद है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केसरिया रंग तिरंगे से प्रेरित है। आपको बता दें कि अब जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भगवा रंग में नजर आएगी। और बड़ी खबर, विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में बीजेपी, एनडीए की 18 जुलाई को होगी बड़ी बैठक। कुनबा बढ़ाने की हो रही तैयारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की आगामी 18 जुलाई को बुलाई गई बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार गुट और शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के शामिल होने की संभावना है। इस बात के भी संकेत है कि भाजपा की चिराग पासवान के साथ संतोषजनक बातचीत चल रही है ताकि फिर से एनडीए में उनकी वापसी हो सके। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भाजपा नेतृत्व ने सैद्धांतिक रूप से जेडीएस, ओम प्रकाश राजभर के ओबीसी संगठन, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और मछुआराओं, किसानों व नाविकों का प्रतिनिधित्व करने वाली विकासशील इंसान पार्टी के मुख्य सैनी को गठबंधन में लाने का फैसला किया है। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की तरफ से राज्यसभा में सांसद प्रफुल्ल पटेल बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। आपको बता दें कि दरअसल विपक्षी दलों की ओर से 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर एकजुटता को लेकर जारी प्रयासों के सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को बड़ा स्वरूप देने में जुटी है और साथ ही उसकी कोशिश है कि वो इसका शक्ति प्रदर्शन भी करे। भाजपा सूत्रों ने कहा कि एनडीए की बड़ी ताकत को रेखांकित करने के लिए 18 जुलाई को एक बड़ी बैठक होने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर, वंदे भारत समेत कई ट्रेनों के किराए 25% तक होंगे कम। रेलवे ने दे दी बड़ी खुशखबरी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड ने एक आदेश में कहा कि वंदे भारत और अनुभूति तथा विस्टाडोम बोगी वाली सभी ट्रेनों में एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव श्रेणी के किराए में यात्रियों की संख्या के आधार पर 25% तक की कटौती की जाएगी। आदेश के मुताबिक किराए में रियायत परिवहन के प्रतिस्पर्धी माध्यमों के किराए पर भी निर्भर करेगी। रेल सेवाओं के अधिकतम इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने रेलवे मंडलों के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों को एसी सीट वाली ट्रेन के किराए में रियायत देने की शक्तियां प्रदान करने का फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड ने बड़ी खुशखबरी देते हुए कहा कि वंदे भारत समेत सभी ट्रेनों की एसी चेयर कार एग्जीक्यूटिव श्रेणी के किराए में 25% तक की कटौती की जाएगी। अगली बड़ी खबर, जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले सुप्रीम कोर्ट से भी राहुल गांधी को नहीं मिलेगी राहत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरनेम वाले आपराधिक मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राहत देने से साफ इनकार कर दिया। राहुल गांधी को मिले झटके के बाद पद्म विभूषण जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज ने चित्रकूट में एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट के फैसले से इतिहास की पुनरावृत्ति हुई है। चुनाव में धांधली करने पर इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दंडित किया था। उन्होंने कहा कि एक बार फिर उनके पोते को गुजरात हाई कोर्ट से झटका लगा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सजा कम सुनाई गई है, कम से कम 5 साल की सजा राहुल गांधी को मिलनी चाहिए थी। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से भी राहुल गांधी को कोई भी राहत नहीं मिलेगी। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को दे दिया बड़ा संदेश, 10 जुलाई को खाते में आएगी दूसरी किस्त। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 1,25,00,000 लाडली बहनों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संदेश देते हुए कहा कि 2 दिन बाद यानी 10 जुलाई को इंदौर में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन के दौरान लाडली बहनों के खाते में 1,000 रुपए की राशि डाल दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने संदेश में कहा कि 10 जुलाई को दोपहर 1 बजे सिंगल क्लिक दबाते ही बहनों के खाते में ये राशि पहुंचा दी जाएगी।
और ये बड़ी खबर सोनीपत में राहुल गांधी की धन रुपाई से गरमाई सियासत। बीजेपी और जेजेपी नेताओं ने बोला जबरदस्त हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के सोनीपत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा खेतों में धान की रोपाई करने को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ जहां पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की तारीफ करती नहीं थक रही, तो वहीं बीजेपी के नेताओं के वो निशाने पर आ गए हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज, कृषि मंत्री जेपी दलाला और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या अब उन्हें किसानों की याद आई है? जो 10 साल पहले देश का नेतृत्व करने की बात करते थे, उन्हें आज किसानों की समस्या का पता चला है। तो वहीं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि धान बोने से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, किसान की एक दिन की मजदूरी ही बचेगी। लेकिन राहुल गांधी ने आने से पहले राज्य सरकार को कोई भी जानकारी नहीं दी, जो सुरक्षा के लिहाज से बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। अनिल विज ने राहुल गांधी को आगे से ऐसा ना करने की नसीहत दी है। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने कहा कि सरकार तानाशाही करके राहुल गांधी जी को संसद में बोलने से तो रोक सकती है, अपने मित्रों को बचाने के लिए उनकी सदस्यता भी रद्द कर सकती है, लेकिन हमारे नेता को लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकती। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी अब सीधा किसानों के बीच जाकर ही अपनी बात रखेंगे और इस तानाशाही सूट बूट की सरकार को चलता करने का काम करेंगे। और ये बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा ईडी और सीबीआई से नहीं डरती आम आदमी पार्टी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर झूठ फैलाने और उन्हें बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। आतिशी का ये बयान मनीष सिसोदिया पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही के एक दिन बाद आया है। ईडी ने कहा कि दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में उसने बैंक जमा 11.49 लाख रुपए के अलावा मनीष सिसोदिया और उनके पत्नी के स्वामित्व वाली दो अचल संपत्तियों को जब्त किया है। इसके जवाब में आतिशी ने आरोप लगाया कि ईडी के दस्तावेजों के मुताबिक मनीष सिसोदिया के पास 81 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति है। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई से कोई भी नहीं डरता। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी झूठ फैलाने का काम कर रही है। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर पीएम मोदी ने बोला जबरदस्त हमला। बोले कांग्रेस पार्टी सिर्फ झूठ का बाजार या फिर घोटालों की दुकान ही खोल सकती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर के दौरे पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर जमकर पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी इस देश में कुछ कर सकती है तो वो सिर्फ झूठ का बाजार या फिर घोटालों की दुकान ही खोल सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि बीकानेर मेरे लिए बहुत ही खास शहर है, क्योंकि इसको छोटी काशी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ काशी की तरह ही गौरवशाली अतीत भी है और अध्यात्मी है। पीएम मोदी ने कहा कि आपका उत्साह बताता है कि राजस्थान में केवल मौसम का ही पारा नहीं चढ़ा है, बल्कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता का भी पारा चढ़ा हुआ है। और जब जनता का पारा चढ़ता है तो सत्ता की गर्मी उतरते और सत्ता बदलते भी वक्त नहीं लगता। आपको बता दें कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस इस देश में कुछ कर सकती है तो वो सिर्फ झूठ का बाजार या फिर घोटालों की दुकान ही खोल सकती है। और बड़ी खबर, महादेव मंदिर में लागू हुआ ड्रेस कोड, कटी फटी जींस और छोटे कपड़े पहनने वालों को मंदिर में नहीं मिलेगा प्रवेश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड महादेव मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए मंदिर प्रशासन ने ड्रेस कोड लागू कर दिया है। प्रशासन ने उन्हें नाइट सूट, कटी फटी जींस आदि पहनकर नहीं आने को कहा है। बाकायदा मंदिर के गेट पर पोस्टर भी लगा दिया गया है जिसमें लिखा है कि हाफ पैंट, बरमुडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जींस, फ्रॉक आदि पहनकर आने पर बाहर से ही दर्शन करें। मंदिर प्रशासन की ओर से मंदिर के बाहर गेट पर लगाए गए एक पोस्टर में सभी महिलाएं एवं पुरुषों से मंदिर में मर्यादित वस्त्र पहनकर आने का आग्रह किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल झारखंड महादेव मंदिर ने अब ड्रेस कोड लागू कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि कटी फटी जींस और छोटे कपड़े पहनकर मंदिर आने में प्रवेश नहीं मिलेगा। और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान हुई भारी हिंसा, बमबाजी और गोलीबारी में 18 की मौत, भाजपा ने की सीबीआई जांच की मांग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारी हिंसा हुई। उत्तर से लेकर दक्षिण बंगाल तक आगजनी, बमबाजी और गोलीबारी में 9 जिलों में 18 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हो गए। हालांकि विपक्षी दलों ने 30 से अधिक लोगों की मौत की आशंका जताई है। ये हाल तब रहा जब केंद्र और प्रदेश के 1.7 लाख सुरक्षा बलों की तैनाती की
गई थी। हिंसा के बीच बंगाल में 66.28% मतदान हुआ और नतीजे 11 जुलाई को घोषित होंगे। भाजपा ने चुनावी हिंसा के लिए बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है और केंद्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की। अगली बड़ी खबर प्यार में, पाकिस्तान से भारत आई सीमा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाई गुहारा। कहा, पाकिस्तान गई तो जिंदा नहीं बचूंगी, इसलिए मुझे भारत में ही रहने दिया जाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्यार के लिए पाकिस्तान छोड़कर भारत आई सीमा हैदर अब यहीं पर रहना चाहती है। जेल से छूटने के बाद उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि उसे उसके प्रेमी सचिन के साथ भारत में ही रहने दिया जाए। उसने कहा कि अगर पाकिस्तान गई तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। सीमा को 4 जुलाई को भारत में अवैध तरीके से प्रवेश करने पर गिरफ्तार किया गया था। उसके भारतीय प्रेमी सचिन और सचिन के पिता की भी इस मामले में गिरफ्तारी हुई थी। आपको बता दें कि फिलहाल उन्हें जमानत दे दी गई है। टीवी चैनल आज तक को दिए अपने इंटरव्यू में सीमा ने मुख्यमंत्री योगी से गुहार लगाते हुए कहा कि उसे सचिन के साथ भारत में ही रहने की इजाजत दे दी जाए, क्योंकि अगर वो अब पाकिस्तान गई तो उसको जान से मार दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, इतिहास में पहली बार होगा सदन में राष्ट्रपति का संबोधन। 14 जुलाई को राजस्थान आएंगी द्रौपदी मुर्मू। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान की 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र की बैठक 14 जुलाई से फिर से होने जा रही है। इस संबंध में राजस्थान विधानसभा सचिवालय ने विधिवत रूप से अधिसूचना भी जारी कर दी है। 14 जुलाई को सुबह 11 बजे विधानसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सदन को संबोधित करेंगी। राजस्थान के इतिहास में यह पहला मौका होगा कि सदन में राष्ट्रपति का संबोधन होगा। इससे पहले विधानसभा को 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया था। राष्ट्रपति के विधानसभा में होने वाले संबोधन की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। अगली बड़ी खबर, आजादपुर मंडी के आढ़तियों ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा, अभी टमाटर नहीं होगा सस्ता, अभी और कटेगी जेब। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि टमाटर की कीमतों ने इस बार लोगों को रुला दिया है। खुदरा बाजार में 160 से 180 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुकी कीमतों के चलते ये बहुत से लोगों की थाली से भी गायब हो गया है। पिछले करीब एक महीने से बढ़ रही टमाटर की कीमतों पर अभी भी ब्रेक लगता नजर नहीं आ रहा। वहीं टमाटर के थोक व्यापारियों की माने तो आने वाले कुछ दिनों में अभी टमाटर के दामों में उछाल जारी रहने वाला है। फिलहाल लोगों को बिना टमाटर के ही खाना बनाने की आदत डालनी होगी। आजादपुर मंडी के आढ़तियों ने ऐलान किया है कि अभी टमाटर सस्ता नहीं होगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।